साइकिलिंग मैंने क्यों स्टार्ट की? अपने दोस्त श्याम की वजह से। नहीं तो? पेट काम करने के लिए। नहीं तो? आनो फिर किस लिए? व्लॉग बनाने के लिए। चलो, लेट्स गो। आज काफी साइकिलिंग कर ली, जरा इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल लें हम। हैशटैग साइकिलिंग, हैशटैग 50 किलोमीटर बहुत है, 100 किलोमीटर कर लेते हैं। हमने कौन सा किया 50, 100 किलोमीटर। हैशटैग वर्क हार्ड। चले एक और राउंड मारें। चलो तो गाइज, आज हमने काफी साइकिलिंग किया, तो आपने हमारी इंस्टाग्राम पोस्ट और ये सारा कुछ देख लिया। तो इस बंदे ने मुझे कहा था कि आप 50 किलोमीटर है, कितनी आपने साइकिलिंग की है? 50 किलोमीटर। झूठ बोल रहे हो तुम। नहीं, 100 किलोमीटर हमने की है। लेकिन बड़े अरसे बाद आज हम व्लॉग बना रहे हैं, क्योंकि बस रमज़ान गुजरा है, उसके बाद जो हमने थोड़े से वीडियोस वगैरह बनाई हैं। लेकिन आज हम साइकिलिंग जो है ना, ये एक तो जस्ट मैं मजाक कर रहा था कि व्लॉग बना, लेकिन अभी अब प्रॉपर शुरू करने लगा हूँ साइकिलिंग, क्योंकि साइकिलिंग से इंसान का ज़रा पेट भी बड़ा कम होता है। मेरा तो ऑलरेडी वैसे कम है, लेकिन हम और कम करना चाहते हैं। अभी आपको पता है, हम साथ साथ ना फ़ोटो शूट भी कर रहे हैं। इस बंदे को ना जितना क्रेज़ है ना मुझसे ज़्यादा फ़ोटो शूट का। इसकी मैं पुरानी पिक्चर्स भी हैं ना, वो भी मैं कोशिश करूँगा कि लास्ट में शेयर करने से। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को आप? नहीं, सोच लो आखिर से, मैं पूछ रहा हूँ, आप कुछ कहना चाहेंगे इनको? इनको 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 ये कौन है? ये कैमरे के पीछे कौन है? अच्छा इधर आओ। अच्छा, आपको पता है ये कैमरे के पीछे होके देख रहा था कि कैमरे के पीछे क्या है। ये सबसे ज्यादा शरारती, इधर आओ, ये इसका छोटा भाई है। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे? कहना चाहूंगा क्या कि सैम को डॉगी से बहुत डर लगता है, ये रोता है। ये तो सैम ने मना किया था ना बताने का, आपने क्यों बताया? सैम इधर आओ। आपको डॉगी से डर लगता है? ना। ओके, अभी मैं बुलाता हूँ डॉगी को। आप जरा ये व्यू देखें, ये गांव का जो व्यू ना, ये मेरा स्पेशल स्पॉट है। जब मैंने नया नया कैमरा लिया था, मुझे याद है आज से तकरीबन 10 साल पहले, तो मैं और आतिफ और भाई उस्मान यहाँ हम आकर ना फोटोग्राफी किया करते थे। आप ये देखें, क्या बात है यार, कसम से, मतलब कि बेस्ट प्लेस है अगर आपने फोटोग्राफी करनी है। और फोटोग्राफी किस टाइम करनी है? गोल्डन आवर्स में। गोल्डन आवर्स कौन से होते हैं आपके? गोल्डन आवर्स होते हैं आपके इवनिंग, अभी जिस तरह शाम है, सुबह तो हमसे उठा ही नहीं जाता है। उठते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज़ पढ़ते हैं, फिर सो जाते हैं हम। फिर कब उठते हैं हमें कुछ समझ नहीं लगती कि 10 हो रहे हैं, 11 हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। तो खैर,
साइकिलिंग भाई मैंने वाकई में सीरियसली मैंने आपको बात में स्टार्ट कर दिया। मैं पहले जब छोटा होता था तो मेरे पास एक साइकिल हुआ करती थी, मैं चलाता था, और माशाल्लाह से हम 20 दफ़ा 30 दफ़ा गिर चुके हैं। और मैं आपको बात बताऊँ, कोई 15-20 साल हो गया मैं अभी ये साइकिलिंग मैंने स्टार्ट की है। अब कितने दिन स्टार्ट रहेगी ये हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, हम कोई आपको कमेंट, हम कोई हम आपसे कमिटमेंट नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आज व्लॉग के लिए बनाई हो सकता है कि अभी इसको मैं कंटिन्यू रखूं, लेकिन दुआएं कीजिएगा कि हम इसको कंटिन्यू रखें। साइकिल मांग के लाया हूं किसी की, ठीक है। मैंने कहा अगर आज मैं साइकिल चलाऊँगा ना, अगर तो मुझे कोई थोड़ा सा ना सही हुआ तो फिर मैं साइकिल चलाऊँगा, अदरवाइज़ मैं इसको ना खली वली। ये अटेंशन खड़े होने का क्या मकसद मुझे बताओ, आज साइकिल चला के आपको मजा आया कि नहीं आया? आया। कितना? बहुत ज़्यादा। कोई नहीं आया, झूठे की। अभी आप अभी आपने क्या इशारा किया? मैंने कहा हेलो। अच्छा हेलो टाटा। ओके तो गाइस अभी थोड़ा सा कहानी में आने वाला है ट्विस्ट। अभी एक मिनट, आपने क्या बोला था मुझे डॉगी से डर नहीं लगता ना? नहीं नहीं लगता ना। वो सामने क्या आ रहा है वो देखो, फेस एक्सप्रेशन देखें। लगता है। अरे जल्दी लेके आओ इसको, जल्दी लेके आओ ताकि इसको कटवाए। इधर आओ अब्दुलात, तुम सही कह रहे थे। आप क्या कह रहे थे? सैम को डागे से बहुत डर लगता। अच्छा क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, पीछे देखना वो ना बदतमीज देंगे। इधर देखो ये डॉगी आ गया, इधर लाओ जरा डॉगी को, लाओ इधर। नहीं नहीं प्यार करेगा आपको। ये अभी क्या कह रहा था, अभी क्या कह रहा था कि मुझे डॉगी से डर नहीं लगता। ये यार ये छोटा सा तो है साइम, क्या मतलब कि हद होगी यार, छोटा सा तो है ये है? ये कौन से? ठीक है गाइस अभी हम जा रहे हैं और नेक्स्ट व्लॉग में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इस चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको जल्द से जल्द हमारे ऐसे वीडियो। हां कहना चाहता हूं। हां जी कहें। इन बाबा अब्दुल्ला इनको गन से वो मैं से गोली नहीं डालते, इनका बेबी डाल सकते थे। ओके अल्लाह हाफिज़ भाई।